नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूनिक लाइफस्टाइल में। दोस्तों आज जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा जो चैनल है वो इन्फॉर्मेशन का है, एजुकेशन का है। आपको दिन बाय दिन कुछ ना कुछ यूनिक वीडियो मिलती रहती है। आज दोस्तों जो वीडियो रहेगी ना दोस्तों, वो कुछ यूनिक रहेगी, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि अनिल भाई हमारी जो फीस है वो मर जाती है, टैंक गंदे हो जाते हैं, टैंक क्यों इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं, और जो अपने अगर मैं बात करूं जो लोकल अपने एक्वेरियम होते हैं, एक होते हैं इंपोर्टेड एक्वेरियम, दोनों एक्वेरियम में क्या फ़र्क होता है, कौन सी मेडिसिन कब देनी चाहिए, और क्या क्या कारण होते हैं फिशेज के मरने के, किस टाइम पे हमें पानी चेंज करना चाहिए। आज ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आए हैं दोस्तों अपने दीपक भाई जी के पास। तो दीपक भाई जी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया सर। तो दीपक भाई जी एक एक चीज़ बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आप सुनेंगे ध्यान से तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो आप मुझे कॉल करके भी बोलते हो आपकी सारी समस्या आज दूर करेंगे दीपक भाई जी। तो दीपक भाई जी पहले मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो आपके टैंक है इतने साफ क्यों हैं, कारण क्या है इतने टैंक साफ होने का? सर टैंक साफ होने के पीछे भी एक रीज़न होता है जी, अच्छा फूड डालते हैं, अच्छी मेडिसिन डालते हैं और इनका प्रॉपर मेंटेनेंस देते हैं इनको जी। ओके। मछलियाँ जो सी है साफ पानी में ही अच्छी लगती हैं, अगर आपका पानी क्लाउडी होगा, ब्लर होगा, तो आपको मछलियाँ भी अच्छी नहीं लगेंगी और घर पे रखा हुआ एक्वेरियम भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल। और दीपक भाई मैंने ये भी सुना है कि भाई लाइट ज़्यादा देर तक ऑन रखने से गंदा पानी हो जाता है। हाँ जी, हाँ या जी। फिर लाइट ज़्यादा बंद करने से मछलियाँ मर जाती है, पता नहीं जितने हाँ माइंड है उतने बातें हैं, उतने मिथ हैं। हाँ क्या इसमें कितने सच्चाई? सर जो मैं आज आपको बताऊँगा ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा जी, है ना जी। तो हर एक फिशिज की जी अपनी अलग अलग फूड होता है और हर एक फिश के लिए फ्लूड ऐसा बनाया हुआ है कि किसी में कम प्रोटीन है, किसी में ज़्यादा है, किसी में काफ़ी हाई है जी। पानी गंदा होने का कारण एक तो लोकल फूड जो हम डालते हैं उसका रीज़न है जी। अच्छा। जैसे हम 40 रुपये वाला 50 रुपये वाला फूड डाल दिया, उससे क्या है कि सिर्फ मछली का पेट भरेगा, मछली को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी। यानी कि दीपक भाई का कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि जो आप फूड दे रहे हो ना वो लोकल मत दो, क्योंकि क्या होता है कि फिशेज ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते कई बार। जैसे दीपक भाई ने बताया कि वो पेट ही भरता है लेकिन वो एक वो कहते हैं ना फिट हेल्दी फिश नहीं होती, वो हेल्दी नहीं रहती है ना सर। आप शॉप पे जाते हो, किसी भी शॉप पे जाओ, उनके आपको पानी क्लियर लगेंगे, साफ लगेंगे, वहाँ पे जाके आपको अच्छा लगेगा। शॉप पे जाके आप पूछोगे आपके पानी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, हमारे 15-20 दिन के बाद गंदे हो जाते हैं, तो हमें ये परेशानी है। फूड अच्छा डालिए, मेडिसिन अच्छा डालें, पानी जो है वो कम से कम चेंज करें और मेंटेनेंस दें इनको जी। बिल्कुल। और जो ये लाइट ऑन ऑफ का क्या फंड है? लाइट देखो सर, हर वक्त अगर एक्वेरियम की ऑन रहेगी ना तो पानी आपका क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जो सा ये बेस होता है ना, हाँ बेस के ऊपर काई जमनी शुरू हो जाती है, या जैसे आप सैंपल के तौर पे एक पानी ले लेना किसी कटोरे में, धूप के आगे रख देना, तो 1-2 दिन के बाद उसको देखोगे तो उसके अंदर काई जमनी शुरू हो जाएगी। वो एक सैंपल हो जाएगा। जो नेचुरल लाइट होती है ना सूरज की और एक्वेरियम की जो लाइट होती है ये हर वक्त ऑन रहेगी तो मछली स्ट्रेस में भी आ जाती है। ओके। कई कस्टमर तो लाइट बंद ही नहीं करते जी, क्योंकि मछली को भी स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। कोई भी जानवर है, चाहे मछली है, चाहे कैट है, चाहे डॉग है, चाहे कोई भी है, वो सभी चीज रेस्ट जरूर करते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ भी दोस्तों यही हुआ था, जो मेरे एक्वेरियम था दोस्तों 10-15 दिन के बाद एक्चुअली कहते कि मैं ऑन रखता था 24 घंटे ऑन रखता था, कि वही मिथ था। हमने एक्चुअली वीडियो भी देखी थी, मैं यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब पे मैं ज़्यादा सर्च करता हूँ, मैं लोगों से बहुत कम पूछता हूँ, यूट्यूब पे मैं ज़्यादा नॉलेज लेता हूँ। मैंने देखा एक वीडियो में उन्होंने बताया कि आप लाइट ऑन करके रखो उतनी ज़्यादा हेल्दी रहती है, लेकिन मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की, पूछा, इनका एक ही जवाब था कि अनिल भाई लाइट बंद करके रखो। और अब मैं लगभग अगर मैं बात करूँ 1 हफ्ते से देख रहा हूँ मेरा पानी जैसे था वैसा ही है, क्योंकि रात को मैं लाइट बंद कर देता हूँ। हाँ तो दीपक भाई एक चीज और बताइए मुझे। हाँ जी। जैसे आपने लाइट्स का बता दिया मुझे। हाँ जी। लाइट का ये भी नहीं है कि हमने हर वक्त ऑफ रखनी है, नहीं नहीं, लाइट नहीं। आप ऑन करो, जैसे घर पे कोई गेस्ट आ गए हैं उस वक्त आप ऑन कर दो, या आप अपने एक्वेरियम के पास बैठे हो 15-20 मिनट घंटा आधा घंटा जब भी आप उसके आगे टाइम निकालते हो उस वक्त ऑन कर लो, बाकी टाइम आप लाइट ऑफ रख दो।
लाइट फिश के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है फिल्टर, जो सर फिल्टर है वो आपका चलता होना चाहिए जी, 24 घंटे चलता। आप उसको दिन में कुछ टाइम बंद भी कर सकते हो, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा उसको बंद कर सकते हो। तो और दीपक भाई ये लाइट कितने लेते हैं एक्वेरियम अपने, अगर मैं फिल्टर की बात करूँ मिनिमम आपके हिसाब से कितने का? सर हर एक फिल्टर का ना वोल्टेज होता है जी, जो उनसे ज़्यादा यूज होते हैं ना वो 15 वाट के फिल्टर यूज होते हैं। ओके। वो आपका 2 फीट में 3 फीट में कवर्ड हो जाता है जी। ओके। तो बिजली की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सर महीने का 100-150 रुपये का फर्क पड़ेगा, 100-150 रुपये बस ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, बाकी तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े एक्वेरियम भी होते हैं जिनमें बड़े बड़े फिल्टर लगते हैं जी, 30 वाट 40 वाट, तो उनकी थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है बिजली की। बाकी अगर सर हमने ये चीज़ रखी हुई है ना तो हमें इन चीज़ों को गिनना ही नहीं, गिनना नहीं चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, एक शौक है जी ये तो, घर बैठे हम अपने दोस्तों कमेंट आते हैं हम उनके जवाब दे रहे हैं आज। एक क्वेश्चन हो रहा दीपक भाई। हाँ जी हाँ जी। अब लोग बोलते हैं कि नमक डालना चाहिए। हाँ जी, डाल भी देते हैं, उनमें मैं भी हूँ, डालते क्यों हैं और कितना डालना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है? ये बहुत से कस्टमर का कमेंट होता है कि हमने अपने एक्वेरियम में नमक डाला तो उसके बाद मछलियाँ मरनी शुरू होगी। अब कई कहते हैं जी हमने अपने एक्वेरियम में नमक डाला हमारी मछलियाँ ठीक होगी। हमें नमक डालने का एक रीजन पता होना चाहिए कि हम उसके अंदर नमक क्यों डाल रहे हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि इसमें सर आपने नमक डालना है, और आपको पता होना चाहिए कि नमक डालने का रीजन क्या है। नमक जो होता है जो मछली का जो पेट होता है ना उसको साफ कर देता है। अच्छा, है ना जी, जो उसने अंदर जाम हो रखा है जैसे हम फीड कह लेते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसको वो साफ कर देता है। और कभी भी नमक को एकदम से एक्वेरियम में नहीं डालते। अच्छा। एक नमक को छोटे से मग में ले लो, उसमें अच्छी तरह से घोल लो। अच्छा, उसका घोल बनाओ। हाँ जी, फिर उसको डालो। फिर उसको डालो, जब आप सीधा ही उसको नमक को एक्वेरियम में डालोगे, अगर फिश की बॉडी के ऊपर हल्का सा भी कोई जख्म होगा ना, या कट होगा या कोई जख्म तो होगा, ज्यादा फैल जाएगा। तो जब उस फिश के ऊपर लगेगा तो आपको पता ही है जख्म के ऊपर नमक लगेगा तो कैसा होता है ना। इस चीज का थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। मछली सिर्फ बोल नहीं सकती, हमें समझ सकती है और हम इसे समझ सकते हैं, सिर्फ ये बोल नहीं सकती। और एक क्वेश्चन हो रहा दीपक भाई। हाँ जी। कि जब हम एक्वेरियम का आपने पानी का बता दी कि हाँ कैसे साफ रखना है, क्लाउडी ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हाँ लाइट हमें बंद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अपना नमक का बता दिया। हाँ जी। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ लास्ट क्वेश्चन हाँ है जी। जो लोगों का होता है हाँ जी, कि कौन सी फिश किसके साथ रहती है। हाँ जी। और दूसरा एक और है कि आप जो चेंज कर रहे हो, हाँ पानी चेंज कर रहे हो, वो हाँ कितने दिन बाद करना चाहिए, हाँ और उसके बाद क्या कौन सी मेडिसिन डालनी चाहिए। ठीक है जी। जी, जैसे सर हमने आज इसके अंदर एक्वेरियम में पानी भरा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि कईयों का क्या होता है कि हमारी संडे को छुट्टी होती है हफ्ते में जी, तो हम हर हफ्ते उसका पानी चेंज करें, क्यों कि हम फ्री हैं उस दिन, हम उस दिन फ्री हैं कि चलो कोई काम कर लें, कि चलो इसका पानी ही चेंज कर लें। तो इतनी जल्दी कभी भी पानी चेंज नहीं किया जाता। पानी का टेम्परेचर चेंज करना मछलियों को मारना होता है जी। पानी का टेम्परेचर बनता है ना जब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अच्छा। उसके बाद मछलियाँ उसके अंदर सेफ रहती हैं जी। ओके। 15 से 20 दिन पानी रहने के लायक बनता है, यानी कि दोस्तों वो अपना घर है ना, जो वो 15 से 20 दिन के बाद उनको फील होता है कि ये हमारा घर है कि हम अब सेफ हैं इसके अंदर। सेफ है। जब तक पानी आपका सेट नहीं होता आप उसको फिर पानी चेंज कर देते हो। वो जो टेम्परेचर है अप डाउन होता रहता है, फिर कभी फिश की बॉडी के ऊपर व्हाइट स्पॉट आ गए हैं, फिश आगे पीछे स्विम कर रही है, फिश नीचे बैठी है, रात को अच्छी वाली थी सुबह मर गई, तो फिर ऐसे रीजन आने शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने हफ्ते 10 दिन बाद पानी चेंज करना है, कम से कम 1.5 से 2 महीना आपने उस पानी को स्टोर करके ही रखना है एक्वेरियम के अंदर। और पानी कितना चेंज करना चाहिए? हाफ, आधा पानी आपने चेंज करना है सर, और आधा पानी ऊपर से स्टोरेज वाटर डालना है। फ्रेश पानी कभी नहीं डालना स्टोरेज पानी, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। इंसानों के लिए सही होती है क्लोरीन, लेकिन और मछलियों के लिए जहर है। अच्छा। पानी ठीक रहेगा आपके एक्वेरियम में तो मछलियाँ भी ठीक रहेंगी। पानी में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया तो आपकी मछलियों का मरना पक्का है जी। कभी भी आप किसी भी शॉप पे फिश लेते हो तो पहले फिशेज की क्वालिटी देखो, बिल्कुल वो कैसी है, उसमें हेल्दी घूम रही है, जिस शॉपकीपर ने आपको फिश दी है उसके पानी साफ हैं, कहीं उसके अंदर आपकी कोई उसकी कोई मछली तो नहीं मरी हुई। अगर कोई एक भी साफ का इन्फेक्टेड आ गया ना तो वो आपकी सारी मछलियों को लेके जाएगा। कहीं से भी आप लो तो इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखो कि दुकानदार के
पानी जोन से हैं वो अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, फिश हेल्दी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए और स्ट्रेस फ्री हो मछली, स्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है मछली लेते वक्त जी। बिल्कुल हाँ जी। एक दीपक एक क्वेश्चन है दीपक भाई कि मेरे पास कमेंट आए हैं, एक तो मेरी आज ही बात हुई थी सुबह, एक मैडम थे बिलासपुर से थे, ठीक है जी, वो बोल रहे थे कि सर मेरी मछलियाँ मर गई थी, एक मछली मर गई थी, तो मुझे कितना पानी उसका चेंज करना चाहिए या मैं पूरा चेंज कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि गर्ल्स का जो दिल होता है वो थोड़ा नरम होता है है ना, उसको फील होता ही है कि उसकी फीस मर गई, उसके बाद उनको लगता है कि पानी में इन्फेक्शन ना फैल गया हो, इसके पीछे का थोड़ा सा मिथ बताइए। सर इन्फेक्शन एक तो होता है फीडिंग के ऊपर जी, ठीक है जी, फीडिंग अगर हम अच्छा डालेंगे तो फिश को कभी इन्फेक्शन नहीं आएगा। ओके। फीडिंग आपने जब डालनी है ना, तो अगर आज आप फीड डाल रहे हो फिश को, वो फीड खाने दो, कल का दिन आप गैप दे दो। अब कस्टमर कहेंगे कि एक दिन छोड़ के दी है मछली भूखी रहेगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, मछली जोन सी है ना 20 दिन तक भूखी रह सकती है, 20 डे सारी फिश, कोई भी मछली है 20 डे तक वो भूखी रह सकती है। अच्छा। जैसे सर हम ही है, अगर हमें 5 से 6 दिन तक खाना नहीं भी मिलेगा हम तब भी जिंदा हम रह लेंगे, वैसे ही मछलियों के ऊपर होता है। अगर आज हम इनको फीड देंगे, चाहिए जो फिश है इनको अगर आज फीड देंगे कल तक ये डाइजेस्ट करेगी। अच्छा, समझते ना इस बात को सर। अच्छा, यानी कि हम क्या करते हैं दोस्तों, ओवर कर देते हैं, ओवर फीड। आज सुबह भी कईयों को मैंने देखा है कि हाँ दीपक भाई, ये भी था एक मुझे याद आया, हाँ ये लगभग 1-1.5 महीने पहले था, एक शायद हाँ अपने मुंबई से थे वो सर थे, मोहम्मद आसिफ करके कुछ नाम था उनका, हाँ जी। तो वो बोल रहे थे कि अनिल जी मुझे ये बताइए हमें फीड कितना देना चाहिए, और मतलब 2 टाइम देना चाहिए या 1 टाइम देना चाहिए, ऐसा कुछ था उनका अटपटा। ये भी आपका सही क्वेश्चन है जी, हम फीड दिन में 2 बार दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को जी, और 1 दिन गैप करके देनी है आपने। हाँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। अगर हम 1 दिन गैप करके फिश को फूड देंगे ना, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेगी और एक्टिव रहेगी। ये मत सोचना कि मछली भूखी मर जाएगी, मछली कभी भी भूखी नहीं मरती, ओवर फीड देने से मरती है। अब कई कस्टमर पैकेट वाला फूड डालते हैं जो 40 और 50 का आ जाता है मार्केट में, तो वो जो दाने हैं ना सैंपल के तौर पे आप किसी बाल्टी में या किसी छोटे से बर्तन में डाल के देखना, 10-12 दाने, वो दाने फूल जाते हैं। हाँ हाँ, फूल जाते हैं ना जी। बिल्कुल। जब वो मछली दाना खा लेगी तो वो पेट में जाके फूल जाएगा, मछली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सुबह आपने दाना दिया, रात तक उसने डाइजेस्ट नहीं किया, आपने थोड़ा सा हो डाल दिया, उसके बाद वो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, रात को अच्छी बड़ी थी सुबह वो मर गई। एक दिन गैप करके दो फूड फिश को, एक दिन उसको डाइजेस्ट करने दो, ठीक है ना जी। उसके बाद अगर आप फीड दोगे फिश को, प्रॉपर खाएगी ना, पानी गंदा होगा ना, कभी फिश को कोई प्रॉब्लम आएगी, मेंटेनेंस सर इसी चीज़ को कहते हैं। क्या बात है, ये आज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी आप सबके लिए कि कौन सी फिश को कितना फूड देना चाहिए, कितने टाइम तक देना चाहिए। और आप सबको मैं ये चीज़ भी कहूँगा दोस्तों, स्पेशल मैंने ये चीज़ की है कि लाइट को होश के तो बहुत कम यूज़ करें, दूसरा नमक जो डालना है वो घोल करके डालना है जैसे दीपक भाई ने बोला। और एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा दीपक भाई, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, कि जैसे हम पानी चेंज करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल दिखाइए कौन कौन सी जी। तो दीपक भाई के पास हर प्रकार के ब्रांड के यहाँ पे मेडिसिन मिल जाती है दोस्तों, तो दीपक भाई का जो दुकान का एड्रेस है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्प्ले पे भी है, भाई का नंबर भी है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, दीपक भाई की खास बात यह है कि कभी भी आप कॉल करोगे ना, दीपक भाई बिना किसी लालच के आपको गाइड करेंगे। दूसरा कि अगर आपकी मछलियों में कोई प्रॉब्लम है या आप रख नहीं पा रहे हो, डोनेट करना है, या फिर आपने 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, तो दीपक भाई को आप दे सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका दिल करे वो भी पैसा आप दे सकते हो, लेकिन दीपक भाई मांगते नहीं है, लेकिन आप दे सकते हो, और बहुत अच्छे इंसान है दीपक भाई। तो दीपक भाई बताइए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। सबको पता होता है कि 3 तरह की मेडिसिन होती है, एक वाइट वाली और एक ब्लू वाली और एक रेड वाली। हाँ, ये कलर सबको पता है, ऐसे चलता है रेड, ये कलर सबको पता है, नाम की कोई बहुत कम हो जाता है जी। इसमें एक होती है सर एंटी क्लोरीन दोस्तों, एक ये मेडिसिन होती है, ठीक है, डिस्प्ले पे भी इसकी अलग से फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, एंटी क्लोरीन। और दूसरे नंबर पे आ जाती है सर एंटी ईच,
एक होती है दोस्तों ये एंटी ईच, इसका एंटी ईच का क्या एंटी ईच सर जो उनसी मेडिसिन है ना, इसको हम 15 से 20 दिन के बाद डालते हैं। अच्छा 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन के बाद डालते हैं। 90 लीटर में 10 ml होती है ये। 90 लीटर में दोस्तों, 90 लीटर का मतलब होता है 2 फीट का, तकरीबन 2.5 फीट का एक्वेरियम, 2.5 फीट का एक्वेरियम लगभग। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 2.5 फीट का, जिनके पास एक्वेरियम है उनके पास ये एक ढक्कन काफी है दीपक भाई। हाँ जी एक ढक्कन काफी है, वो जैसा एक्वेरियम है वैसा उनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो उसके अंदर आप मात्रा डाल सकते हो। ये एंटी ईच दोस्तों, नाम पढ़ लीजिए दोबारा, एंटी ईच। ये 15 से 20 दिन के बाद एक ढक्कन डालना है, लगभग 90 लीटर में 10 ml। और इसका काम भी सर बता देते हैं, ये फिश को ना कोई प्रॉब्लम आने नहीं देती। अच्छा ये एंटी ईच का काम है जी। अच्छा आप 15 से 20 दिन बाद इसको डालते जाओगे ना, जैसे फिश को कोई फंगस या गिल्स में या कोई प्रॉब्लम आती है, ये उस चीज को रोकेगी। अच्छा। इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं है कि ये पानी को साफ करेगी या ये एंटी क्लोरीन का काम करेगी, नहीं। हर एक दवाई का अपना अपना रिजल्ट होता है। इसका रिजल्ट है 15 से 20 दिन बाद डालना है कि फिश को की प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आने से रोकेगी। ठीक है ये एंटी ईच का काम है बिल्कुल। और उसके बाद ये है दोस्तों अपनी एंटी क्लोरीन, मैं जैसे कि आप देख पा रहे डिस्प्ले पे भी है, और ये होती है एंटी क्लोरीन, इसका बताइए। ये सर जब भी आप पानी चेंज करते हो, न्यू पानी ऐड करते हो, तो उस वक्त इसको यूज करते हैं। ये सिर्फ क्लोरीन को रिमूव करेगी। अच्छा ना कि फिश की कोई बीमारी है उसको रिकवर करेगी। अच्छा अच्छा, यानी कि दोस्तों जब आप पानी चेंज कर रहे हो, जैसे कि दीपक भाई ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने ताज़ा पानी नहीं डालना है। हाँ जी। तो दीपक भाई मुझे ये चीज़ बताइए, अगर उन्होंने स्टोरेज का पानी डाला है तब भी फिर डालनी है ये मेडिसिन? हाँ तब भी तब भी डालनी है जी। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी कस्टमर के पास स्टोरेज वाटर नहीं होता तो उनको पानी की समस्या होती है। जैसे हमने सर ये एक्वेरियम, कोई सा भी एक्वेरियम है, 2 दिन बाद चेंज करना है पानी। आज हम उस बाल्टी को भर के धूप में रख देंगे, जो उसकी क्लोरीन होती है ना वो रिमूव हो जाएगी, और मछलियों के लिए बहुत ही शानदार सेफ पानी बन जाता है जी। अच्छा। अगर हम 1.5 से 2 घंटे उस पानी को धूप में रख देते हैं, वो पानी बहुत ही ज्यादा सेफ रहता है जी। जिनके पास स्टोरेज वाटर की दिक्कत आती है जी, अच्छा। ये उनके लिए है जी। जिनके पास स्टोरेज वाटर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं जी। जैसे कोई छोटे बाउल होते हैं तो उसमें कई कस्टमर फ्रेश पानी डाल देते हैं या पानी नहीं मिलता, एक दिन पहले आप उस पानी को बाल्टी में भर के धूप में रख दो 3-4 घंटे, अगले दिन आप उसको यूज कर लो, बहुत बेस्ट है सर फिश के लिए। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं सर, है ना जी। बाकी हर एक का अपना अपना सुझाव होता है, बहुत एक्सपीरियंस है दीपक भाई को, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बताते हैं। मैं खुद दीपक भाई से बहुत सीखा हूँ, मैं हर दुकानदार के पास जाता हूँ सीखता हूँ, मैं हर किसी से सीखता हूँ, लेकिन दीपक भाई से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। और उसके बाद बताइए दीपक भाई, उसके बाद सर ये आ जाती है जर्नल एड, ये रेड ढक्कन वाली, ये क्या है? जर्नल एड सर। जर्नल एड? हाँ जी। अच्छा, जैसे फिश को कोई प्रॉब्लम आ गई, फंगस लग गई है जी, कोई वाइट स्पॉट्स आ गए हैं, उस वक्त इसको यूज़ करते हैं। अच्छा। और इसको यूज़ करने का भी तरीका सर अलग है, इसको हम सीधा ही एक्वेरियम में नहीं डालते इसको। हाँ जी, इस मेडिसिन को। अच्छा अच्छा। जिस फिश को कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, छोटी सी कोई बाल्टी ले लो। अच्छा, उसको अलग करके अलग डालना, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, ना कि पूरे एक्वेरियम में होगा। अच्छा। बाकी जो मछली है वो भी आपकी इन्फेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक नॉर्मल चीज लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो दो मेडिसिन वो थी वो तो अपनी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी, जो ये मेडिसिन है दोस्तों ये आपने तब डालनी है अगर आपकी मछली या तो बीमार है या डैमेज हो गई है, जैसे शरीर पे कुछ चोट वगैरह लग गई आपस में लड़के या झगड़ के, कुछ भी है, कुछ भी आ गया उनके शरीर पे, बॉडी पे टैच वगैरह आ गया, तो उसको अलग करके पानी में डालनी है, ना कि उसे पानी में डालना है। आप समझ पा रहे हो दोस्तों? सर आपने वही एक्वेरियम वाला लेना है, एक्वेरियम वाला ही पानी लेना है, ये नहीं कि फ्रेश पानी ले लिया या कुछ और पानी। अगर नहीं कोई चीज पता लगी कि सर मेरे को कॉल करो, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, कई बार फोन नहीं उठाया जाता, कस्टमर होते हैं सर ड्राइव कर रहे होते हैं फैमिली के साथ, उस वक्त फोन नहीं उठाया जाता, जब हम फ्री होंगे हम खुद बैक कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप पे आपको उसका जवाब दे देंगे। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा आपने बात करनी है। एक और अपनी रेगुलर मेडिसिन दीपक भाई, ये सर वही रेड वाली है जी। अच्छा, इसका क्या कौन सी रेड? यही है? हाँ जी यही है जी। अच्छा, सेम ही है बस कम ब्रांड का, कंपनी का फर्क हो जाता है जी। अच्छा अच्छा, ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की मेडिसिन होती है, ये थोड़ी हाई ब्रांड की मेडिसिन होती है। इनका फर्क भी सर चलो आपको बता देता हूँ, ये जो काम करेगी तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद काम करेगी। अच्छा है ना जी, इसको हम लोकल कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेड है,
ये जो काम करेगी कुछ ही घंटों में मछली को रिकवर कर देगी। अच्छा अच्छा बाकी प्राइस में इनका फर्क होता है, आपको पता है जो सस्ती चीज होती है वो कुछ अच्छी नहीं होती, बिल्कुल जो उसी महंगी होगी वो अच्छी होगी, उसका रिजल्ट भी आपको साथ के साथ मिलेगा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है जी। बिल्कुल, तो दोस्तों आज जो जानकारी के लिए हम दीपक भाई के पास आए थे, मैं बताना चाहता हूँ कस्टमर को जी, जी कई कस्टमर को ना अभी ये नहीं पता है कि हम फीड कैसे डालें फिश को। फीड जब भी डालोगे फिल्टर बंद करके डालनी है। ये मैं क्वेश्चन भूल गया था। हाँ जी, जी दीपक भाई, फिश को फिल्टर बंद करके फीड डालनी है। जैसे आप फिल्टर ऑफ करोगे फिश को फूड दे दो, आधा घंटा 15-20 मिनट फिल्टर बंद रहने दो, फिश नहीं मरेगी। ये आप मन से निकाल देना कि हमने फिल्टर बंद करा और मछली मर जाएगी। 15-20 मिनट आधा घंटा फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका क्या रीज़न होगा, मछली रिलैक्स होके आपकी फीड खा लेगी और उसको प्रॉपर डाइट मिलेगी। आप चलते हुए फीड डाल दोगे फिल्टर सारी फीड अपने वक्त सक कर लेगा और फिश को खाने में डिस्टर्ब होगी। मैंने ये भी सुना दीपक भाई कि जैसे हम फिल्टर बंद करते हैं, हाँ जी, जैसे आपने मुझे बताया ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी एक भाई की, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हाँ जी, तो उसमें क्या बताया था दोस्तों कि जैसे मैं फिल्टर बंद करता हूँ, हाँ जी, फिल्टर बंद करते ही जो फिशेज है वो एकदम से जैसे कहते हैं एक्टिव से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना, तो वो कहते सुनने में आता है कि वो फीड नहीं लेती है, ये बात क्या है, सच है? स्टार्टिंग में करेगी वो। अच्छा, जब उसको पता चल जाएगा ना कि फिल्टर ऑफ हो गया है, हाँ, वो तो आपकी खुद मछली, आपको पता चल जाएगी मछली अब एक्टिव हो रही है, फीड मांग रही है, हाँ। मछली खुद एक आदत बन जाएगी। अच्छा अच्छा, ये चीज कुछ करने से पता चलता है, कहने से पता नहीं चलता पहली बार। ये बात सही है, जब आप ये चीज करोगे ना तो आपको पता चलेगा। एक चीज और बता देता हूँ, फिल्टर ऑफ कर दिया ना तो ये नहीं है कि भूल गए कि ऑफ का ऑफ ही रह गया, उसमें फिर मछली मरने के चांस हो जाएंगे। घंटा आधा घंटा बंद रखना है, उसके बाद फिल्टर आपने ऑन कर देना। और हर एक फिश की ना सर फीड अलग होती है, गोल्ड फिश की फीड अलग है, मोली फिश की फीड अलग है, गप्पी फिश की फीड अलग है। गोल्ड फिश का आपका माउथ देखते हो कितना बड़ा है जी? हाँ जी दीपक भाई, दिखाई दे रहा है, मतलब कि है थोड़ा सा खुला मुंह है, आप देख सकते हो दोस्तों कितना चौड़ा मुंह, अगर मैं बात करूँ बहुत ही बड़ा इनके लिए फीड हो सकता है, ये खा लेगी, लेकिन वही बात अगर इसमें ज़्यादा बड़ा फीड डालोगे तो नहीं लेंगी। जैसे सर ये गोल्ड फिश का फूड है, ठीक है जी, इसके अंदर जो पैलेट्स होते हैं ना थोड़े से मोटे होते हैं, ये गोल्ड फिश तक ही सहमत है। अगर हम यही फूड अपनी ये मोली को देंगे इधर पड़ी है या उधर एंजल को देंगे तो ये वो फिश नहीं खा पाएगी फूड। अगर आपके पास ये फूड है तो यही फूड अगर आपने अपनी फिश को देना है, अगर आप दूसरा फूड नहीं लेना चाहते हो तो इस फूड को थोड़ा सा क्रश कर लो। अच्छा अच्छा, ब्रीक कर लो, ये फूड आप उनको दे सकते हो। अच्छा, यानी कि थोड़ा बारीक कर लो, बारीक कर लो थोड़ा सा, हाँ जी, मिला के ब्रीक करके अलग रख लो। कई कस्टमर के पास दो टैंक होते हैं, तीन होते हैं, कईयों के पास एक होता है, अब कई गोल्ड फिश भी रखते हैं, मोली अलग रखते हैं, ये उनके लिए है जी। अच्छा, छोटी मछलियों को सिर्फ ब्रीक दाना चाहिए, क्योंकि एक दाना उनके मुंह में ही नहीं आएगा, वो एक दाना लेके घूम ही जाएगी, उनको डाइट ही नहीं मिलेगी सर। बिल्कुल, तो एक ये भी फीड डालने का तरीका है सर। बिल्कुल, और एक दीपक भाई मेरे खुद का क्वेश्चन है, पूछो पूछो सर। तो जैसे कि मेरा एक्वेरियम है, मान लो मैं अभी एक्वेरियम लेके आया हूँ, हाँ जी, ठीक है, और मैं उसमें डालना चाहता हूँ एल्गी फिश, क्या वो सही ही है या बाद में डालना चाहिए, क्योंकि वो गंदी खाती है। हाँ जी, मेरा एक महीना डेढ़ महीना तो साफ ही रहेगा टैंक, हाँ जी, तो फिर वो तो भूखी मर जाएगी। जैसे देखो हम कभी किसी भी शॉप से एक्वेरियम लेते हैं ना, इसी बात पे मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ आपका, किसी भी शॉप से अब अगर हम एक्वेरियम ले रहे हैं तो हमने उसी दिन ही उसके अंदर मछली नहीं डालनी। बिल्कुल ठीक है जी। दुकानदार तो सर कहेंगे कि चलो आज ही ले जाओ, आज ही पानी भरो, तो है ना, उसी दिन कभी भी मछली नहीं डालनी। अगर आप बाय नियर हो तो आप वेट करो 1-2 दिन का, अगर आप दूर से हो तो वो आप शॉप वाले से पूछ लो हमने इसके अंदर फिश डालनी है, कैसे डालें, कौन सी मेडिसिन डालें, पानी कौन सा डालें, इसको सेटअप कैसे करें। मछली जब लेनी है ना किसी से तो 1 दिन या 2 दिन पहले एक्वेरियम में पानी भरो, मेडिसिन डालो, एंटी क्लोरीन, एंटी ईच, उसको साइक्लिन होने दो 1-2 दिन। अगर किसी एक्वेरियम के साथ 5 पेयर मिलने हैं ना तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप 2 पेयर लेके जाओ। अच्छा, सिर्फ समझ लो कि ट्रायल के लिए। अगर पानी में कोई इन्फेक्शन होगा या पानी में कोई वायरस होगा तो आपकी 10 की 10 नहीं मरेंगी, 1-2 ही मरेंगी। बिल्कुल, बाकी आपकी जो 6 हैं वो सेफ रह जाएंगी। 1-2 दिन उसको पानी को चलते रहने दो, फिर उसके अंदर फिश आप ऐड करो। अब चंडीगढ़ के पानी में सर क्लोरीन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाकी जगहों पर बहुत कम है, हमारे चंडीगढ़ में क्लोरीन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको
पता है जी वो तो सेफ रह लेते हैं मछलियाँ जी, नहीं तो अपनी मछलियों को नुकसान दे देते हैं कई कस्टमर जी। ऐसे मछली डालनी चाहिए एकदम से, कभी लालच नहीं करना चाहिए मछली डालते वक्त। बिल्कुल ठीक है सर। देखा दोस्तों, ये है अपने दीपक भाई जो कि लालच नहीं, आप सबका ध्यान रखते हैं। उससे पता है क्या, दुकानदार का ज़्यादा नुकसान है, हमारा ज़्यादा नुकसान होता है कि हमने कस्टमर को बताया नहीं। कस्टमर को तो देखो सर कुछ नहीं पता होता, वो इंटरेस्ट करके आते हैं दुकानदार के ऊपर, जो दुकानदार कहेगा उन्होंने वैसे ही चलना है। बिल्कुल है ना जी, अगर वो प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे तो उनकी फिश तो प्रॉब्लम में आ ही नहीं सकती। ये चीज़ हमारे पास सर बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, आप हमारे पास आते ही हो। बिल्कुल। तो हमारे कस्टमर जो है एकदम खुश हैं, अच्छी फिशेज मिलेंगी, सारा कुछ अच्छे मेंटेनेंस मिलेंगी। कहीं से भी लो आप सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहीं पे आओ, कहीं से भी लो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, सभी दुकानों पे जाओ जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से परचेज करो। सस्ती चीज़ में कभी मत जाना इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, लाइव चीज़ के ऊपर सस्ती चीज़ में कभी मत जाना। अच्छी चीज़ ले लेना, बेशक 10-20 रुपये या 30 रुपये कॉस्टली होगी, फ़र्क होगा। बिल्कुल, उसमें फ़र्क होगा। मैं आपको एक चीज़ बता एक देता हूँ दोस्तों, सर 50 रुपीज़ की, 50 रुपये जो 40-50 रुपये का पैकेट का है, और एक फूड आता है 250 का जी, क्वांटिटी उसमें भी 100 ग्राम है, क्वांटिटी इसमें भी 100 ग्राम है, पर फर्क होगा ना सर। बिल्कुल, वो 50 रुपये का है और ये 250 रुपये का है, इसमें भी सर 100 ग्राम है, ये देखो इसमें भी 100 ग्राम है और 100 ग्राम उसमें भी है। वो जो फीड है उसको डाइजेस्ट करने में फिश को टाइम लगता है, जो फीड बनती है ना ये चिकन से बनती है, गोट हार्ट से बनती है, और जो उसी पैकेट वाली होती है उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ भी अपना आटा कह लो, सूजी कह लो या कुछ भी कह लो, सस्ती है पर फिश के लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है, और कईयों के पास अच्छी भी चलती है उस फीड से, है ना जी। ये फीड का थोड़ा सा ध्यान रखना है सर आपने। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है मेरे को फ़ोन कर लो, मेरे पास आओ, कुछ भी पूछना है मेरे से पूछो, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे सर आपको जितनी हमें नॉलेज है। बिल्कुल, मुझे 14 से 15 साल हो गए सर इस लाइन में आए हुए, अभी तक टच वुड है, शुक्र है मालक का, ठीक चल रहा है जी, अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे और अच्छे ही आगे बातें चलेंगी जी। बिल्कुल, है ना। बाकी कोई बातचीत मेरी बुरी लगी हो नहीं, नहीं, इस वीडियो में आप या कोई गलत मैंने तरीके से चीज गलत कोई बोला हो उसके लिए सॉरी है। बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि इस वीडियो देख के रॉन्ग कमेंट भी आएंगे। नहीं नहीं देखो, कुछ होते वो तो लोगों का काम है, हाँ, कुछ होते कहना लोग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मैं जब आज से 6 से 7 महीने पहले दीपक भाई के पास आया था तो दीपक भाई ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि अनिल भाई मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि दोस्तों सर बढ़ावा दे, बिल्कुल कोई कस्टमर आया, अभी मैं देख पा रहा था कि 4-5 बच्चे थे, वो आए, उन्होंने फीसिस देखी और थोड़ी देर बाद ही वो अपने मम्मी पापा को ले आए और फीसिस लेके चले गए, 5 से 6 हज़ार रुपये का अपना सामान लिया वो चले गए। तो मैंने क्या देखा कि दीपक भाई ने उनको गाइड किया कि कौन सी मछली किसके साथ रहेगी, फास्ट के साथ कौन कौन सी फिश रहेगी, स्लो के साथ कौन कौन सी फिश रहेगी, सेमी के साथ कौन सी फिश रहेगी, मतलब कि गाइड किया, क्यों, क्योंकि दीपक भाई को पता है कि अगर मैं मान लो महंगी फिश इनको चिपका दूंगा, उसके साथ ये भी दे दूंगा, उसके साथ ये भी दे दूंगा, कल को उन्होंने मरना है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नुकसान किन का हुआ, दीपक भाई का, क्यों, क्योंकि वो बंदा ना तो दीपक भाई के पास आएगा, ना वो नेक्स्ट टाइम फीस रखेगा, वो नहीं रखेगा। हम सर वो चीज बता देते हैं कस्टमर को जो उसको बाद में पता चले। बिल्कुल, हम उसको वो पहले ही गाइड कर देते हैं कि अगर वो किसी और दुकानदार पे जाके उनको कहेंगे ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, वो चीज उनको पहले ही पता होगा, वो खुद कह सकते हैं कि आप ये चीज गलत बता रहे हो, दुकानदार को खुद कह सकते हो कि ये फीस इसके साथ नहीं रहती, कि आप मिसगाइड कर रहे हो। हम वो चीजें पहले ही सर उनको कस्टमर को बता देते हैं कि कैसे मेडिसिन कैसे क्या डालना है, कैसी फीड डालनी है। बिल्कुल, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कम टाइम थोड़ा सा सोचा था लेकिन कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2 पार्ट में लेकर आऊँ, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन इतने सारे थे दोस्तों कि कुछ तो मैं धीरे धीरे याद आ रहे थे, और जो थे आप सबके क्वेश्चन थे दोस्तों, कुछ मेरे थे कुछ आपके थे, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी भाई जी का नंबर है और डिस्प्ले पे भी भाई जी का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल पिक नहीं करते हैं तो आप इनको टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी, एड्रेस भी मैंने मेंशन किया है और नंबर भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और हाँ दोस्तों
लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों, वीडियो देख जरूर लेते हो आप, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सर दबके, कि जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज मिले जी, है ना जी, मछली का रखने का तरीका पता चले, कोई शौक को आगे लेके जाए। बिल्कुल, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।